अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी, आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ कि आज का जो फार्मूला मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए हैं जो शौकीन मिजाज लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि हम एक रात में 2 से 3 मरतबा मुलाकात करें, हमारी स्टैंडिंग अच्छी हो। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हम मिस्त्री करते करते हमारा नफ्स ढीला हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद साबित होगा। कुआरे इसका इस्तेमाल ना करें, ये केवल शादीशुदा लोगों के लिए है। जिन लोगों ने अपने हाथों से इतनी ज़्यादा गलती करी है कि नफ्स को इतना मुर्दा बना लिया है कि बिल्कुल बेजान हो चुका है, या अंग्रेज़ी गोलियां खा खा करके बॉडी को बिल्कुल खाली कर लिया है, तो ऐसे लोगों को तो मुस्तकिल तौर पर इलाज की ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने हल्की फुल्की गलती करी है या बदन की कमज़ोरी के एतबार से ढीलापन है, बदन की कमज़ोरी के एतबार से दोबारा नहीं हो पाता है, या किसी टेंशन की वजह से ये दिक्कत आ चुकी है, या उन्हें कोई दिक्कत नहीं है फिर भी वो शौकीन मिजाज हैं, वो ये चाहते हैं कि एक रात में 2 से 3 बार करें, जल्दी दोबारा हमारी तैयारी हो, तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये फार्मूला पावरफुल साबित होगा। आपको लेना है 100 ग्राम प्याज का रस और आधा किलो गाय का दूध, इतना आपको रोजाना लेना है। प्याज के रस को गाय के दूध में डालकर के आप पकाएं, और जब पकते पकते वो आधा किलो से थोड़ा कम रह जाए, ज़्यादा गाढ़ा ना हो, जब वो आधा किलो से थोड़ा कम रह जाए तो उसको चूल्हे से उतार लें और ठंडा करें। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है बल्कि वो हल्का गर्म रहे, तो हल्के गर्म को आप घूंट घूंट करके पी लिया करें। ये आपको रोज़ाना रात को इस्तेमाल करना है सोते टाइम पर। इसको पीने के बाद में इसके ऊपर से आप मीठा पान खा लिया करें, मीठा पान बिना तंबाकू वाला, मीठा पान खा लिया करें, और पान का जो मग्ज़ रहेगा उसे आपको अंदर को निगल लेना है। लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगातार 12 महीने इस्तेमाल करें, वरना कम से कम 2 महीने आप इसका इस्तेमाल करें, और इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि आप बीवी को इतना ज़्यादा खुश कर देंगे जितना कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, आप जब इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें। खट्टी चीज़ वैसे भी मर्द को नहीं खानी चाहिए, और फ्राई के आइटम का परहेज़ करें कि ये चीज़ भी मर्दानगी में नुकसान देती है। बाकी इसमें हम बिस्तरी का कोई परहेज़ नहीं है। आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर वाले बिना शुगर वाले सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस केवल कुआरे इसका इस्तेमाल ना करें, ये फार्मूला केवल शादीशुदा लोगों के लिए है। ये तनाव भरपूर पैदा करेगा, एक बार के बाद 2 बार नहीं 3 बार करने की इच्छा पैदा करेगा, करने के बाद में थकावट का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, और दोबारा तिबारा करने के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलते चलते एक बात और सुनते जाइए, हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर काम आ जाए। अपने हाथों से किसी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करने की वजह से नसें कमज़ोर हैं, मनी पतली है, ढीलापन है, धाती अहतलाम की बीमारी है, या औरतों को सफ़ेद पानी की शिकायत है, या बच्चेदानी उतरने का मर्ज़ है, अपना वज़न बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, या आपके स्पर्म कम है, या बवासीर का मर्ज़ है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दवाई देसी जड़ी बूटी से तैयार की जाती है, जहां भी आप चाहेंगे इंडिया में आपको पहुंचा दी जाएगी। नंबर आप मेरा सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, बताना मेरा काम, करना आपकी जिम्मेदारी, शिफा देना अल्लाह के इख्तियार में है। अस्सलामु अलैकुम।